फोटो सो हे गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गुड आफ्टरनून में ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह से चार्ज नहीं था फोन पे और लाइन भी कट था, बट अभी जैसे ही चार्ज हुआ है और केबल तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, अभी तो कार में फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चाचा के पास। सो फिलहाल अभी ड्राइव कर रहे छोटू भैया, पीछे बैठे हुए पापा और सुमन, एंड अभी छोटू भैया हम लोगों को आधा दूर तक छोड़ देंगे फिर, क्योंकि छोटू भैया को महाराष्ट्र निकलना है और जैसे कि मैंने बोला था कि बड़ी मम्मी को लेके जाना था महाराष्ट्र, बट ट्रेन छूट चुका था अंथोनी भैया के वजह से, वो चल गए थे अपने दोस्त के साथ थोड़ा काम पे, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए छूट गया था ना अंथोनी छोटू भैया, 5 मिनट के लिए। तो अभी फिर से दोबारा टिकट बुक किया गया, पता नहीं कब का डेट है, ये कल का डेट है, कल 9 बजे अब कल पहले निकलना पड़ेगा, अब छोटू भैया कल पहले लेके निकल जाएंगे मम्मी को। ठीक है आते हैं छोटू भैया। हाँ ठीक है, हैप्पी जर्नी, ध्यान से जाइएगा मुंबई। आता हूँ कॉल करूंगा। अच्छा सर ना, ठीक है। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे कैब अंकल से, ये रहे हमारे कैब अंकल। कितना रुपए एसी से चलाइए, इसने चलना है आराम से चलना है, एसी चलाइए एसी तुम देखो बगल में चलाओ। देखिए आपका थोड़ा सा पैसा काट दिया जाएगा। चलो ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। क्या कर रही है? हाँ अरे नींद नहीं आ रहा है क्या? देख बैठे हुए हैं इधर, गाड़ी चला रहे हैं। अभी हम लोग बेड़ो बाजार पास है और देखो यहाँ कितना ज्यादा ट्रैफिक है गाइस, इतना ज्यादा ट्रैफिक है क्या ही बताऊं, इधर पूरा बस वगैरह आ रहे हैं। झमेला तो कुछ नहीं है, मगर मैं सिर्फ घुसने के लिए काहे बोल रहा है। अरे तो कोई दिख रहा है ना? हाँ तो ऐसा करो, तो चलो मेरा साथ है तब वहाँ तब। कहाँ? वहाँ मेरा भाई के यहाँ, उसके बाद तो सर रुकेंगे रात को, चलेगा तो घुसेंगे, बोलो चलेगा तो घुसेंगे। चलिए हाँ तो ठीक है, तुम कपड़ा वपड़ा पहन करो। हाय मॉर्निंग में हमको विदाई कर दीजिएगा तो हम जा सकते हैं। हाँ तो तुमको लेंगे हैं, उठाएंगे और चल देंगे। सो गाइस अभी हम लोग गांव इंटर लिए हैं। बस सीधा लीजिए ना, इसे सीधा लेने का। गाइस अभी हम लोग आए हैं प्रदीप चाचा के घर, एंड उन्हीं को कॉल किए थे पापा, तो उन्हीं के साथ जाएंगे, तो वो कल वापस आ जाएंगे और पापा बोल रहे हैं कि नहीं रहेंगे तुम रहना, हम चल जाएंगे घर। तो इधर उसे काफ़ी प्यारा धूप आ रहा है गाइस, इस तरफ से देखो सनराइज हो रहा, नहीं दिख रहा होगा बट बहुत प्यारा धूप आ रहा है भाई। ए मुर्गे एक बार दिए रे, लाओ लाओ इधर लाओ, हम भी खेले जा रहा। अरे कटर, अरे बाप रे बाप, क्या हम भी कटिंग नहीं कर सकते क्या ब्रो? है मैं भी कटिंग थे और सब ठीक है, पिस्ता बादाम सब लाए थे,
बस अभी निकल रहे हैं गाँव। फोटो ले सांस निकालिएगा निकलेगा बना दीजिएगा। हाँ सब ठीक है। तो फिर कहना मतलब देखिए प्रदीप खिले के जाती है कहाँ ले रही है तो बोले कि ठीक है भेड़ो माने तो फोन कर ले। बड़गांव जाता है? हाँ बड़गांव। बड़गांव हाँ हाँ वो आनंद नहीं जाता। हाँ हाँ वो मौसी के लड़का वो यहाँ बोले आ है का है अरे है हाँ हाँ वो तो वहीं ना बैठ के ले। बाय बाय आते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ लेके। याद रखिएगा गरीब बॉय को। अच्छा मम्मी ठीक हो जाती हो तो हाँ तो देखा थी छठ पूजा वो सब तो आप उठे नहीं और क्या बोलो छठ पूजा अच्छा सब करते हैं यार और बोले घर सब है वह सब रही ना तो ओ हाँ ठीक है मम्मी तब है ना। ख्याल रखिए। ख्याल रखेंगे। हाँ अचानक से गाइस बारिश स्टार्ट हो गया। एक देखो अब गाड़ी धुल जाएगी पूरी तरह से। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गया खतरनाक टाइप से। देखो गाइस धूप भी दे रहा है और बारिश भी हो रहा है। बताओ देख रहे हो धूप हो रहा है बारिश हो रहा है। गाइस ब्लैक पैंथर आ चुका है और अभी पलंग लाए हैं बड़ा चाचा एक और एक ये रहा। अभी इसको अंदर लेके जाना है। यहाँ पकड़िए नहीं नहीं इधर से पकड़ना होगा इधर सीधा था ऐसा करके झुका के नहीं ऐसा ही सीधा तब आएगा आराम। उठाइए जोर लगा के ऐसा चलो सीधा नहीं ना उठेगा इधर। अरे आगे ही जाओ यार आगे आदमी अरे पहले उठा के इधर करो अथी लकड़ी में बैठेगा ना यार तू करवा नहीं रे घूमो यार। अरे उठा के और रखो टूटेगा रे उठा उठा अरे नहीं जाएगा यार। तुम गुड्डू वीडियो दिखाता है मेरे को तुम उठाया बैठे थे तुम उठाएगा नहीं हम लोग उठाएंगे खाली। तू फोन में क्या देख रही है अरे लाइट जला रही जला जला ये है गाइस इमरजेंसी लाइट हमारा। अरे इधर से नहीं इधर ही से निकालो ना। हाँ ये तो अरे वो छोड़ो ना हाँ मैकबुक निकालो बस और कोई जरूरत नहीं इसको बंद करो तो कहीं इसको मैकबुक को उधर टोली बैग को ऊपर दे दे। नहीं नहीं ऊपर नहीं रुको ना इसको ही जा रहा हाँ नीचे घुसाओ ना बस मैकबुक को यहाँ रख दो हटो। चलो गाइस मैकबुक को हमने यहाँ रख दिया और ये बैग को बोलिए सुमन का याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब आ गया सुमन घर अब हम चले घर हैं। फाइनली गाइस चाचा के यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तकरीबन हमें यहाँ पहुँचने में 2 से 2.5 घंटा लगा है और पूरा टायर्ड फील हो गया क्योंकि 2 दिन से ट्रैवल हो रहा है गाइस। उधर बड़े पापा पास गए थे अभी चाचा पास आए हैं पूरा थक गया हूँ। वीडियो वगैरह भी एडिट करना है उसके बाद फिर वीडियो डालना भी है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क ठीक है जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो देखे हो गए अच्छा से अपलोड हो चुका था बट कोई नहीं। गाइस बाहर तो तेज बारिश हो रही है अभी हम लोग चाय पी रहे हैं ये देखो गर्मा गर्म फाड़ ना फाड़।
उठाओ चलो गाइस अब डिनर करते हैं। मेरा तो निकल चुका है चावल और मेरा फिश गाइस बंगाली वाला फेवरेट। इधर प्रदीप चाचा बैठे, प्रदीप चाचा भी बैठे हुए हैं मस्त बिजनेस डील कर रहे हैं क्या चाचा उनका भी निकल गया। और इधर सुमन वन लाइफ बोल दो यार। सो चलो मैं डिनर वगैरह कर लिया हूँ और अभी रात के 11:19 हो रहे हैं। सो चलो मैं डिनर वगैरह करके आ गया हूँ रूम पे एंड चलो अब जाता हूँ मैं सोने। एंड आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। सो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अभी विलेज आए तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे एंड जो भी कल्चर है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसे क्या होता है एंड आप लोग भी रिलेट कर पाओगे जो अभी शहर पे हो गांव से दूर है अपने दादा दादी या चाचा चाची जहां भी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए एंड दिल से शुक्रिया। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।